अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं अदनान वॉइस। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अदनान वॉइस के वो दोस्त जो बुलंदियों के शौकीन हैं और बुलंद तरीन इमारतों को देखने का शौक़ रखते हैं, उन लोगों को ये वीडियो यकीनन पसंद आएगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने पाकिस्तान की 5 बुलंद बाला इमारतों की बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुँचे। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे दोस्त भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ। पाकिस्तान में 20 इमारतें ऐसी हैं जो कि 100 मीटर से ज़्यादा हाइट रखती हैं, जिनमें से नंबर 5 ओपल 225। जी हाँ दोस्तों, ओपल 225 की हाइट 164.3 मीटर है, और अगर इसको हम फीट में बताएं तो 539 फीट है, जो कि 41 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। ये इमारत कराची में वाक़ है और पाकिस्तान की खूबसूरत इमारतों में से एक है। नंबर 4 द सेंटोरस होटल। जी हाँ दोस्तों, सेंटोरस होटल पाकिस्तान की, अगर इसको पहले नंबर पे खूबसूरत तरीन इमारत कहा जाए तो ये गलत ना होगा, और ये बुलंद तरीन इमारतों में से भी इसका शुमार होता है। इस इमारत की हाइट 200 मीटर है और 656 फीट पर मुश्तमिल है। इस इमारत में 38 फ्लोर्स हैं, और ये खूबसूरत तरीन इमारत इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान का दारुलहकूमत है, उस शहर में वाक़ है। नंबर 3 चैपल स्काई मार्क। जी हाँ दोस्तों, ये इमारत 210 मीटर हाई है, 699 फीट बुलंद है और 50 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। ये इमारत कराची में वाक़ है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। नंबर 2 ग्रैंड हयात होटल। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान की दूसरी सबसे बुलंद तरीन इमारत है, और ये इस्लामाबाद में वाक़ है। इस इमारत की हाइट 217 मीटर है, और अगर इसको हम फीट में बताएं तो 712 फीट है, और इस इमारत में 45 फ्लोर्स हैं। नंबर 1 बैरिया आइकन टावर कराची। ये पाकिस्तान में मौजूद सबसे ऊंची इमारत है, जो कि 273 मीटर बुलंद है और 896 फीट है। इसके 62 फ्लोर्स हैं। इस इमारत के ओनर मलिक रियाज, जो कि बहरिया टाउन के ओनर भी हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे दोस्त भी फ़ायदा हासिल कर सकें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए अदनान को, आपके भाई को, आपके दोस्त को। अल्लाह हाफिज़।